अभी तो शुरू हुआ है खाली होना। दोस्तों आ गया पानी भरने के लिए, जो कि इधर व्यवस्था दिया था पानी भरने के लिए इधर, और इधर से आए हैं दोस्तों। बर्तन निकाला तो बर्तन पे धूल धूल जमा था, और थोड़ा पर नॉलेज नहीं था कि कितने दिन से बर्तन रखा हुआ है ऐसे ही, तो मैं बोला कि खाना बनाने से पहले धो लेते हैं। तो दोस्तों इतना सारा बर्तन है। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह को बज गया है 10 और हम गाड़ी में सोए थे कि गेट पे से फ़ोन मेरे को गया 2-3 बार, तो मैंने एक बार उठाया फ़ोन, बोला कि भाई साहब फ़ोन बोल रहे हो, तो बोला कि मैं गेट से बोल रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड में। बोला क्या बात है सर जी, बोलिए। बोले गाड़ी अंदर लेकर चले आओ, गाड़ी खाली होगी। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोस्तों मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी थी, मैं वहाँ एक सामने एक गेट था, मैं उधर गया पता करने के लिए, तो उस कंपनी का गेट नहीं था, दूसरे कंपनी का गेट था, और दीवार जो थी उसकी मतलब आगे दीवार इसकी बड़ी होके आगे जाके फिर ऐसे थोड़ा अंदर से ऐसा क्रॉस होके घुस गई थी। तो यानी कि मतलब वो डिफाइंड कर रहा था कि ये दूसरी कंपनी है। मैं बोला, मैं देखा उधर, फिर वहाँ से मैं रिटर्न चला आया। आने के बाद में दोस्तों फिर हमको लेकर जाना पड़ा गाड़ी थोड़ा आगे, फिर यू टर्न लेकर हाईवे पर, जो कि मुंबई हाईवे है, उसको पार करके फिर वहाँ से सीधा ऐसे लेकर फिर बैक करके फिर उसी रोड पे से कट पे से सीधा अंदर ला के गेट के अंदर लाया। गेट के अंदर लाने के बाद में सीधा गाड़ी इधर लगाया हूँ दोस्तों। अब इधर खाली होगा, इधर जो दिख रही है आयसर की गाड़ियाँ हैं, अशोक लाइलैंड की गाड़ियाँ हैं और आयसर की भी गाड़ियाँ हैं साइड में, तो उधर ही खाली होगा। ये कांच का बोतल लेकर आया था दोस्तों, ये कांच का बोतल खाली होगा, पूरा फुल मेरे गाड़ी में कांच का बोतल भरा हुआ है। ये शायद दारू बनती है इधर, इसमें दारू पैक होगा, तो ये खाली बोतल लेकर आए थे मैं गुजरात से सूरत से माल लेकर, जो कि दोस्तों खाली हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मैंने मोटर मालिक को बता दिया है कि आप लोडिंग का देख लेना और गाड़ी 1-2 घंटे में खाली हो जाएगा। बोले ओके जी कोई बात ना। मैं बोला ठीक है भाई, बोल के रखा हूँ दोस्तों, देखते हैं गाड़ी कब तक खाली होती है कब तक नहीं खाली होती है। फिलहाल अभी तो दोस्तों चाय नहीं पिया हूँ, क्योंकि नाइट में गाड़ी लेकर मैं कंपनी में बहुत लेट पहुँचा था, इसीलिए सो गया ज़्यादा समय तक। अब गाड़ी पॉइंट पे लगा के फिर दरवाज़ा खोल देते हैं, फिर जाते हैं बाहर, देखते हैं चाय वाय मिलता है तो पीते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो राशन की दुकान से लेकर आएंगे दूध की पैकेट और शक्कर और चाय पत्ती सब लेकर आएंगे, गाड़ी में ही बनाएंगे, क्योंकि गाड़ी में बर्तन सर्तन सब कुछ का व्यवस्था है, बाटला भी है भरा, आते समय भराया था, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत ना है, और गाड़ी खाली पॉइंट पे लगे दोस्तों, फिर चल के देखते हैं बाहर। दोस्तों गाड़ी लगा दिया हूँ पॉइंट पे खाली होने के लिए, दिखाते हैं पीछे, ये गाड़ी हमारी पॉइंट पे लगी हुई है, अभी तो शुरू हुआ है खाली होने। लेकर गया पीछे, दिखाया, अभी हमारी गाड़ी शुरू हुई है खाली होना, अभी समय जाएगा खाली होने में, तब तक चल के चाय पी लेते हैं। और दोस्तों ज़्यादा कवर कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें काम करती है, जो कि वो कंपनी अपना तो है नहीं, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो करना पड़ता है छुप छुप के थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे मैंने खाली हो रही थी गाड़ी, जाके रिकॉर्डिंग कर लिया, उसमें कोई बोलता तो मैं कह सकता था कि मोटर मालिक मांगेगा वीडियो कि कितना खाली हुआ कितना नहीं खाली हुआ, तो उसको सेंड करना पड़ता वीडियो बना के, तो उसमें कोई इलीगल नहीं था। लेकिन और ऐसा दूसरी साइड का बनाता तो इलीगल हो जाती, फिर भी दिखाने का कोशिश करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा A to Z मतलब 100% में 75% औरतें काम करती हैं। थोड़ा दिखाते हैं एक दफा कैमरा मूव करके, ये देखो दोस्तों इधर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा ये, और इधर देखो पूरी औरतें काम लगी है काम करने। तो दोस्तों जितना हो सकता था उतना मैंने आपको दिखाया, और सन की रोशनी डायरेक्ट उधर पड़ रही है, इसलिए इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, मोबाइल के कैमरे से कितना आएगा भी। तो चल के दोस्तों पहले चाय पीते हैं बाहर, और उसके बाद में आते हैं, तो ये डब्बा लेकर चलते हैं, पानी भरने का सुविधा कंपनी में है, हर कंपनियों में होती है, कोई एक आध कंपनियां ऐसी होती है जिस कंपनियों में पानी पीने का सुविधा नहीं होता, नहीं तो हमारे हिसाब से 99% कंपनियों में पानी भरने का और पानी पीने का सुविधा होता है। तो चल के दोस्तों पहले चाय पीते हैं बाहर, उसके बाद में आके और कैन लेकर चलते हैं, फिर साइड से कंपनी के बाहर जहाँ लोडिंग पॉइंट है, लोडिंग पॉइंट से
लेफ्ट लेकर जाना पड़ता है, फिर लेफ्ट जाके सीधा फिर लेफ्ट मारना पड़ता राइट साइड में है टोटी जिधर से पानी भरा जाता है। तो चलते दोस्तों पहले चाय पीते हैं उसके बाद में आते हैं फिर चलते पानी भरने। दोस्तों जैसे ये गाड़ी पीछे वाली गाड़ी लगी है, इसे गाड़ी मेरे आगे लगी थी तो मैं इधर से सीधा आगे लेकर गया, वहाँ से यू टर्न करके ऐसे घुमा के लेकर गाड़ी आया सीधा। ये जो हाईवे दिख रही है मुंबई चेन्नई हाईवे, इसको सीधा पार कर दिया। पार करने के बाद में सीधा बैग मार के फिर सीधा लेकर आया, जो कि कंपनी का गेट इधर है, इधर सीधा अंदर घुसा दिया, लेकर गया अंदर। अभी तो लगा दिया हूँ पॉइंट पे, खाली हो रही है, और आया था चाय पीने के लिए, लेकिन इधर तो चाय की दुकान बिल्कुल नहीं दिख रही है और थोड़ा आबादी इसके साइड आगे लगता है। तो चल के आगे देखते हैं दोस्तों, आगे शायद मिल सकता है चाय, इधर तो नहीं मिलेगा। दोस्तों पहुंच चुका हूं मार्केट में और जिधर कंपनी का गेट है वहां से आधा किलोमीटर आगे आओगे तो वो अच्छी मार्केट है, दिखाते हैं। इधर सब कुछ मिलेगा, चाय पानी खाना पीना जो चीज़ लेना चाहोगे सब मिलेगा, मार्केट बड़ी है। तो चल के दोस्तों किसी होटल पे चल के चाय वाय पीते हैं, कुछ नाश्ता पानी करेंगे फिर निकलेंगे। अभी खाली करने में तो थोड़ा समय जाएगा, लगभग एक घंटे के आसपास जाएगा जरूर। चाय तो ले लिया हूँ दोस्तों, और चाय में लिया हूँ लाइट चाय और एक नॉर्मल चाय आती है, तो नॉर्मल वाला नहीं लिया हूँ, लाइट चाय लिया हूँ। लाइट चाय में ये दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है और जो नॉर्मल रहती है उसमें क्या है कि जो चाय का पत्ती होता है उसका ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसमें कम यूज होता है, इसमें ज़्यादा करके दूध यूज होता है। तो जो दोस्तों पी लेता हूँ, दो समोसा पार्सल बोला हूँ, जो कि समोसा भी पार्सल हो गया है, और पी के फिर चलते हैं गाड़ी में, समोसा गाड़ी में खाएंगे क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा, इसीलिए यहाँ नहीं खाएंगे, चल के गाड़ी में खाएंगे, इसी दुकान से लिए हैं। और यही है कुछ मार्केट दोस्तों। थोड़ा ज़्यादा खाली हुआ है, अभी जाएगा आधा घंटा के करीब में, आधे घंटे से, हाँ आधा घंटा जाएगा। थोड़ा आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, स्पष्ट जगह बहुत ज़्यादा है। चलते हैं दोस्तों, अब पानी भर के लेकर आते हैं। पन्नी तो निकाल दिया हूँ डब्बे का, अभी तो डब्बा काफ़ी सुंदर दिख रहा है क्योंकि पहली बार पानी भरने जा रहा हूँ ना, अभी इसी चक्कर तो लिया हूँ तो पानी रास्ते में कहीं भरा नहीं, इस कंपनी में जा रहा हूँ भरने के लिए। दोस्तों आ गया पानी भरने के लिए, जो कि इधर व्यवस्था दिया था पानी भरने के लिए इधर, और इधर से आए हैं सीधा। बोल रहा था कि लेफ्ट मार के जाएंगे तो राइट साइड में है ये, और इधर जो खाली जगह दिख रहा है थोड़ा सा, उधर हाथ पैर धोने के लिए है, पानी भर लेते हैं, चलते हैं हाथ पैर धोते। हाथ पैर धोने की सुविधा बहुत अच्छा है, थोड़ा डब्बा धो लेते हैं निकलते हैं। गाड़ी तो खाली हो गई दोस्तों, और गया था देखा लेकिन दरवाजा बंद कर रहा था, बंद करने के लिए स्पेस नहीं है, साइड साइड में कार्टून लगे हुए हैं। तो गाड़ी तो स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, ये गाड़ी थोड़ा जाम लग रही है, अभी जैसे थोड़ा गाड़ी वाले बढ़ा के गाड़ी साइड में करते हैं, फिर गाड़ी निकाल के बाहर दरवाजा बंद करते हैं, फिर मोटर वाले से बात करेंगे, देखते हैं लोडिंग का क्या बोल रहा है। लोडिंग का तो अभी मेरे पास कोई नहीं आया, किसी पार्टी का ना मोटर मालिक किया है, अब
दरवाजा वरवाजा बंद करके गाड़ी बाहर निकाल के सब पता करके देखते हैं क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अगर बोलेगा लोडिंग है तो जाएंगे, और नहीं बोलेगा तो फिर से बैग खड़ा करेंगे शाम तक। अगर लोडिंग नहीं निकलेगा तो एक पार्किंग है उमा पार्किंग, चलती उमा पार्किंग में लगाएंगे। जब विकास की गाड़ी या सुगर की गाड़ी चलाता था तो उसी पार्किंग में लगाता था, तो उसी पार्किंग में चल के लगाएंगे। दोस्तों अंदर से गाड़ी निकाल के लाकर बाहर थोड़ा साइड में लगाया, गाड़ी इधर अंदर से ला के इधर लगाया हूँ। चल के दरवाज़ा बंद करते हैं क्योंकि अंदर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। दरवाज़ा तो बंद हो गया दोस्तों, चल के गाड़ी साइड में लगा देते हैं आगे, और फिर चल के रिसीविंग लेते हैं, और रिसीविंग जैसे देता तैसे बाहर लेकर चल के गाड़ी लगा देते हैं। दोस्तों शाम के 3:30 बज गए और अब हमें जाके रिसीविंग दे दिया है, और गार्ड बोला कि गाड़ी निकाल लो। तो एक बाल्टी गया दोस्तों, फिर पानी लेकर आया, पहले गया था डब्बे में भर के लेकर आया था, और अभी जाके बाल्टी में भर के लेकर आया। एक बाल्टी भर के लाके इधर रख दिया हूँ कंडक्टर सीट के आगे। अब पानी की टेंशन नहीं है दोस्तों, अब चलते निकालते हैं, क्योंकि गार्ड दो बार मैसेज दिलवा चुका है दूसरे बंदे से कि उस ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल ले। तो चलते हैं दोस्तों, गाड़ी निकालते हैं। वो बंदा देख भी रहा है, उधर देखो चिल्ला रहा है। चलते हैं दोस्तों, फिर निकालते हैं। दोस्तों कंपनी से गाड़ी निकाल के ला के 4-5 किलोमीटर आगे इधर रोड के किनारे ला के लगा दिया हूँ, और इंतज़ार करते हैं दोस्तों कि अगर लोडिंग शाम तक निकलता है तो ठीक है, और नहीं निकलता है तो जस्ट वो सामने जो भारत पेट्रोल पंप दिख रहा है और यीशु मसीह की मूर्ति भी दिख रही होगी, जस्ट उसके सट के उमा पार्किंग है, उसी उमा पार्किंग में लेकर जाके गाड़ी लगा देंगे, जो कि टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि चोरी होगा नहीं होगा। आप बाहर लगा के रखोगे तो उसमें हेडक रहेगा कि डीजल कहीं चोरी ना हो जाए, और पार्किंग में लगाओगे तो हेडक से मुक्ति रहेगी। तो चलिए दोस्तों गाड़ी में आराम करते हैं, शाम तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और नहीं तो अगर बनता लोडिंग का तो शाम के टाइम कुछ बनाएंगे गाड़ी लेकर चलेंगे पार्किंग में लगाएंगे। दोस्तों शाम के 6 बज गए और गया पीछे मार्केट लगी है छोटी सी, तो वहाँ से गया सामान लेकर चले आया खाना बनाने वाला। दोस्तों लेकर आया हूँ एक पाव 300 ग्राम शक्कर है, और हल्दी पाउडर लेकर आया हूँ, और दूध लेकर आया हूँ आधा लीटर, जो कि चाय बनाने के काम में आ जाएगा, और शाम के टाइम थोड़ा पीने के काम में आ जाएगा। चाय पत्ती है, और लहसुन प्याज और टमाटर और आयल लिया हूँ, ये सरसों का आयल है, थोड़ा मिक्स रहता है वो, थोड़ा प्योर नहीं रहता है ये। दोस्तों बर्तन निकाला तो बर्तन पे धूल धूल जमा था, और थोड़ा पर नॉलेज नहीं था कि कितने दिन से बर्तन रखा हुआ है ऐसे ही, तो मैं बोला कि खाना बनाने से पहले धो लेते हैं। तो दोस्तों इतना सारा बर्तन है, इतना सारा बर्तन धोना है, और धो लेते हैं उसके बाद में दूध गर्म करते हैं, फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गया था, मैं जब गया था राशन लेने के लिए तो एक चीज़ ध्यान नहीं दिया था, ये हमारा जो कुकर है, कुकर का जो ढक्कन है तो इसके ऊपर रबड़ लगती है कि जो हवा ना निकलने पाए भाप, तो जल्दी होता है, तो वो भूल गया लेकर आया नहीं। तो अब क्या किया जा सकता है, अब वैसे ही बनाएंगे, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ बर्तन साफ करना। दोस्तों पूरा बर्तन साफ कर दिया हूँ, साफ करने के बाद में लाके इधर रखा हूँ, दूध रख दिया हूँ दोस्तों गर्म होने के लिए, गर्म हो रहा है दोस्तों, दूध गर्म हो गया है, ये गर्म हो गया, अब डालते हैं डब्बे में, इसी डब्बे में डालना जो लिया था चेन्नई में। और दोस्तों सब प्याज और धनिया और लहसुन सब काट के और छिलके ओके हो गया है, इतना पूरा नहीं जाएगा इसमें, वैसे थोड़ा थोड़ा जाएगा, और दाल ही बनाएंगे, दाल में जाएगा। दोस्तों खाना हो गया है और खाना निकाल भी लिए है, अब जा रहे हैं खाने के लिए, और लोडिंग का तो दोस्तों मिल गया है लोडिंग, कल सुबह लोडिंग के लिए जाना है, बोला है नाइट में अगर आना होगा तो चले आना, मनाली रोड जाना है, अब अभी कन्फर्म नहीं है किस कंपनी में जाना है, लेकिन बोला है कि आप चले आओगे इस समय तो ठीक रहेगा, नहीं तो सुबह 5-6 बजे आ जाना। मैं बोला देखता हूँ भाई। तो दोस्तों बजने को 9:30 बज गए हैं, अब चल के दोस्तों खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में निकलते हैं, और बस आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।